अयोध्या की धरती से प्रियंका का मोदी पर हमला, मोदी के कमेंट्स पर प्रियंका के सटीक जवाब, प्रियंका ने किया भाजपा के हर तंज पर पलटवार, प्रियंका का यूपी में लगातार प्रचार जारी। प्रियंका गांधी यूपी में एक के बाद एक दौरा कर रही हैं। अपने प्रचार के दौरान वो अयोध्या पहुंची। प्रियंका ने यहां से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार किए। उन्होंने पीएम मोदी के उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस जीती तो तालियां पाकिस्तान में बजाई जाएंगी। प्रियंका ने मोदी के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया तो दी ही, साथ ही उन्होंने मोदी पर और भी कही दर्ज। प्रियंका मोदी पर लगातार हमलावर हो रही है। मोदी को घेरने के लिए वो वाराणसी से चुनाव भी लड़ने को तैयार है, क्योंकि वो कह चुकी है कि पार्टी जहां से कहेगी वो चुनाव लड़ेगी। तो फिर वो वाराणसी से चुनाव लड़कर पीएम मोदी को सीधी टक्कर भी दे सकती है। पीएम मोदी भी अपनी रैलियों में सबसे ज्यादा निशाना कांग्रेस पर ही साध रहे हैं। राहुल के चुनावी वादों को हवा बता रहे हैं और कांग्रेस की जीत में पाकिस्तान की खुशी बता रहे हैं। तो प्रियंका भी पीछे हटने वालों में से नहीं, दे दिया मोदी को करारा जवाब। प्रियंका की आदत लोगों को पसंद आ रही है कि वो हर बात का जवाब बड़ी शालीनता से देती है और बड़े ही सहज ढंग से अपने या अपने परिवार पर किए गए कमेंट्स का जवाब देती है। ऐसे ही जवाब उन्होंने अपने परिवार को राजा महाराजाओं का परिवार कहे जाने पर दिया। प्रियंका ने सक्रिय राजनीति में जितना वक्त दिया है उसकी तुलना में उनके जवाब उतने ही परिपक्व लगते हैं। आई तो नई नहीं है लेकिन सीख तो वो बचपन से रही है।